नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सर, और जाहिर नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। सोनभद्र कोतवाल ने बताया केंद्र सरकार की योजनाओं को। सोनभद्र कोतवाल के नवीन कुमार तिवारी ने आरटीएस क्लब पर मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना को बताया। इसमें कोतवाल नवीन कुमार तिवारी ने मजदूरों के लिए बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड, गरीब परिवारों के औरतों के लिए पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा, महिलाओं को डिलीवरी के बाद मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उस तरह का व्यक्ति हो उसको कराइए। कुछ चीजें और है जो हम बहुत डिटेल नहीं जानते हैं, लेकिन इन महिलाओं को तो हम लोग खाती है उस समूह का योजना आए बा। पाँच पाँच दस दस महिला अगर मिल के अपन, लेकिन वो बाटे कि चार महीना या छः महीना कुछ पैसा बचत करेंगे, कुछ बचत करेंगे। जब बचत करेंगे और चार पाँच महीना अपना और फिर अकाउंट खोलवा के जब ये हो जाए कि नहीं इतने पैसे का वो बचत कर रही है, सौ सौ दो दो सौ रुपया, तो उसके बाद वो सरकार तो के चार महीना या छः महीना बाद 15,000 रुपया पर महिला अपनी तरफ से देगी सरकार, और उसके बाद फिर आप और अपना जो भी रोजगार करना होगा वो उस हिसाब से करती रहेगी। तो तुम जैसे यहाँ मेहनत करते हो जाए वही में वो समूह बनाई जाए, और समूह बना के ओके अपन बना के कबो जाके चाहे हमारे थाने पे कभी जब उसी में साथ साथ में वो भी काम होता रहेगा। उसको करने से होगा क्या कि 15,000 रुपया, और उसके बाद एक साल तक अगर वो व्यवस्था चलेगी तो आप लोगों को 1,00,000 रुपये का उसमें सहयोग सरकार की तरफ से, तो उसको भी जानते रहिए ताकि हो सकता है कि धीरे धीरे फिर काम करने के जब लगे कि हम 15,000 रुपये अपना तरफ से कर रही 15,000 रुपये सरकार की तरफ, 30,000 रुपये में हम कुछ काम करने लगेंगे ना, तो वो चीज़ के भी जानने की जरूरत है कि कुछ सरकार की तरफ से पॉलिसी आई है कि सब चीज़ों को आप लोग जानते रहिए। कम जानकारी होगी तो फिर कभी थाने पे आइएगा, हम उस चीज़ को और बता लेंगे, वीडियो साहब से हम पूछ लेंगे कि दो तीन चीज़ों पे आप लोग सबको कराइएगा। बहुत ऐसे आदमी हैं जो भीख मांगत हैं, 60 साल ऊपर हैं, उनके खाए की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर मान लो उनको वृद्धा पेंशन मिल जाए तो कम से कम जीवन तो बीत जाए, जी लेगा ना आदमी। ये सब कराने की जरूरत है, और महिलाओं की कई योजनाएं हैं, जब आओगे तो हम बताएंगे। सोनभद्र से शक्ति पाल की एक रिपोर्ट।